हाईटेक प्रचार से दूर रहेगी बसपा। जी हाँ, होर्डिंग बैनर में मायावती के बराबर जो लोग फोटो लगा लिया करते थे उन पे हो सकती है सख्त कार्रवाई। बहुजन समाज पार्टी आगामी लोकसभा चुनाव में हाईटेक प्रचार प्रसार से दूर रहेगी। बसपा का प्रचार पुरानी परंपरा तरीके से ही होगा, जिसमें अधिक से अधिक वोटर कैटराइज तरीके से काम किया जाएगा। अधिक स्थानों पर पार्टी प्रमुख मायावती को जनसभा आयोजित करना और कार्यकर्ताओं द्वारा गांव-गांव बूथ बूथ जाकर जनसंपर्क अभियान करना शामिल है। बसपा का प्रचार प्रसार में ना एलईडी लगेंगे, ना हाईटेक रथ और ना ही कोई आईटी सेल। सोशल मीडिया पर प्रचार प्रसार जग में विरोधी पार्टियां से दो दो हाथ करेगी। हालांकि कुछ बड़ी पीआर एजेंसियों का बसपा नेताओं से पार्टी कार्यालय में संपर्क कर उन्हें चुनाव प्रसार के बारे में प्रेजेंटेशन भी दिया, लेकिन पार्टी की ओर से उन्हें कोई आश्वासन नहीं मिला। पार्टी सूत्रों के मुताबिक पार्टी कार्यकर्ता बसपा का साहित्य गांव-गांव में पहुंचाएगी। कुछ दिन पहले पार्टी के लोगों की लोकसभा चुनाव पहले प्रचार प्रसार सामग्री छपवाने और उसे लगाने के लिए विस्तृत निर्देश पार्टी नेता द्वारा दिए गए हैं। होर्डिंग और बैनर या फिर अन्य किसी तरह का प्रचार सामग्री मायावती के बराबर की तस्वीर छपवाने वाले अब सीधे सीधे बाहर कर दिए जाएंगे। यह निर्देश पिछले सप्ताह बसपा लखनऊ मंडल सम्मेलन में पार्टी कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों को दे दिया गया है। ये थी एसएम न्यूज की रिपोर्ट। ऐसी ही सभी खबरों पर नजर बनाए रखने के लिए हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।